दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवशंकर मिश्रा एडवोकेट पुनः आप लोगों का लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पिछले डिस्कस में मैंने बताया था कि आप लोगों को एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किन किन चीजों में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज इस टॉपिक को लेकर आज मैं आया हूं और आप लोगों को मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एनजीओ का प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, और एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें और किन किन चीजों में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आपको सारे चीजों का पता चल जाएगा, सारे तथ्यों का पता चलेगा। और यदि आपको दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माय न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। सो लेट स्टार्ट वीडियो। दोस्तों जैसा कि ट्रस्ट, अब ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 2 फोटोज चाहिए और मेंबर्स आधार कार्ड चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके साथ ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है। दूसरी बात आती है सोसाइटी की, अब सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए। दोस्तों सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जो है एक जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ता है, इसके बाद आधार कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और मेंबर्स आधार कार्ड चाहिए। अब तीसरी चीज आती है एनपीओ नॉन प्रॉफिट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। नॉन प्रॉफिट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों डायरेक्टर का आधार कार्ड चाहिए, डायरेक्टर का पैन कार्ड चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन नंबर लेना पड़ता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट पे यानी एमसीए के साइट पे नेम अप्रूवल और लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करके नेम अप्रूवल के लिए जो है हम वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। नेम अप्रूवल मिलने के बाद हम एनपीसी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये तो सारे थी कि इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब दोस्तों मैं मोस्टली 2 टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा, एक ट्रस्ट और सोसाइटी। अब ट्रस्ट और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो हमें 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत भी और ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी। वो डॉक्यूमेंट्स होता है एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट और एक होता है पेन कार्ड। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट और पेन कार्ड लेके हमें क्या होता है कि जाना पड़ता है किसी बैंक में और उस ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम से उस बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है। अकाउंट ओपन करने के बाद हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रस्ट या सोसाइटी से रिलेटेड वो सारे उसी अकाउंट से करेंगे, क्योंकि हमें साल के अंत में जो है एक ऑडिट रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और वो ऑडिट रिपोर्ट बना के हम उसको जमा करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है, और वो ऑडिट रिपोर्ट एक चार्टर अकाउंटेंट ही बनाएंगे, कोई दूसरा प्रोफेशनल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट हो गया, ये हो गया, अब क्या होता है अगला कि ट्रस्ट यदि हमने बनाए हैं तो हमको नीति आयोग में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरा होता है एटीजी और 12ए में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब एटीजी दोस्तों क्या होता है और 12ए क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं आपको एक झलक। एटीजी होता है कि हमें जितने डोनेशन जिन बंदों ने दिया है उनको टैक्स रिबेट मिल जाएगा एटीजी के तहत, और 12ए ये होता है कि हमने जितना डोनेशन प्राप्त किए हैं वो हमें 12ए के अंतर्गत हमें उसका रिबेट मिलेगा। ये सब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है हमें 3 साल के बाद एफसीआरए में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और यदि आप जल्दी कराना चाहते हैं तो वो भी प्री अप्रूवल लेके आप एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसकी प्रोसेस कुछ अलग होता है। एफसीआरए दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में बना था, और इसके तहत ये होता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे ये हैं कि यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप जितना भी चाहें डोनेशन के रूप में ले सकते हैं, उस पे जो है आपको कोई रोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यदि आप रजिस्ट्रेशन एफसीआरए में नहीं करवाते हैं तो आप को एक लिमिट के बाद यदि आप उसमें अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, एक लिमिट के बाद यदि आपको कोई पैसा आता है तो उसके बाद क्या होगा कि बिना एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप एक ये होगा कि आपको ट्रस्ट को बैन कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। अब दोस्तों मैं इसी के साथ अब अगला वीडियो जो है मैं ये लेके आऊंगा कि आखिर
नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नीति आयोग क्या होता है, फिर उससे अगला जो टॉपिक मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि एटीजी और 12A में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, फिर उसके बाद एफसीआरए में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारी मुद्दों पे मैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके मैं क्लियर करके आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं शिवशंकर मिश्रा एडवोकेट लीगल दर्पण से आपके साथ विदा लेता हूं। अब पुनः मुलाकात अगले वीडियो में होगी। नमस्कार।